So let me start with addition of symmetrical reagent in alkenes and alkynes. ठीक, तो हमारा टॉपिक हुआ एडिशन ऑफ सिमेट्रिकल रीएजेंट इन एल्कीन्स एंड एल्काइन्स. एल्कीन्स एंड एल्काइन्स में सिमेट्रिकल रिएजेंट के एडिशन की बात ही कर रहे हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल रिएजेंट, पहले तो ये समझ लो बेटा. सिमेट्रिकल रिएजेंट उसे कहते हैं जिसके दोनों एडिंग वाले पार्ट, दोनों एड होने वाले पार्ट्स सिमिलर हो. जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि ब्रोमीन, जैसे कि फ्लोरीन, जैसे कि आयोडीन. ठीक, तो देखो बेटे सिमेट्रिकल रिएजेंट में जैसे हम पहले करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन्स, एडिशन ऑफ हैलोजन्स, एडिशन ऑफ हैलोजन्स. जैसा कि आपको पता है हैलोजन्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा. हैलोजन हो सकता है आपके पास क्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन एंड इट कैन बी आयोडीन. ठीक है बच्चों, देखो बेटा फ्लोरीन की डायरेक्ट एडिशन हम नहीं करते, वो हमें मालूम है कि रिएक्शन विल बी एक्सप्लोसिव, रिएक्शन विल बी एक्सप्लोसिव, इसलिए डायरेक्ट एडिशन फ्लोरीन की नहीं करा करते. ठीक, तो ये हम दीवार कर देते हैं क्योंकि रिएक्शन जो होगा इसका बहुत एक्सप्लोसिव होगा, तो फ्लोरीन की डायरेक्ट एडिशन हम नहीं किया करते. ठीक, विल डू एडिशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ओके, तो पहले हम बात करेंगे इन एल्कीन्स. इन एल्कीन्स, एल्कीन्स में एडिशन ऑफ सिमेट्रिकल रिएजेंट. सी बेटे, अगर सिमेट्रिकल रिएजेंट है, जैसे मान लो पहले एल्कीन ले लिया, एल्कीन कोई भी हो सकता है, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे वो अनसिमेट्रिकल हो. ठीक है, कोई एल्कीन मैंने ले लिया है और इसमें बेटे मैंने ऐड करना चाहा क्लोरीन को. ठीक, ऑब्वियसली यहां मैं सॉल्वेंट जो लूंगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CS2 या कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसा कोई सॉल्वेंट लूंगा जो खुद नॉन पोलर होगा. ठीक, पोलर सॉल्वेंट आगे बताएंगे क्या होगा, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट हम यहां पे लेते हैं. CS2 ले सकते हैं या CCl4 ले सकते हैं. अब ये जो दो क्लोरीन है, एक इधर ऐड करेंगे एक इधर ऐड करेंगे, तो हमारे पास यहां बन जाएगा CH2Cl और CH2Cl. गॉट इट और नॉट? So this is how the addition is taking place over here. तो यहां addition जो है वो इस तरह से हो रही है बच्चों. उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी. ठीक, अब देखो बेटे basically बात क्या है कि यहां पे reaction का mechanism देखना is very important. यहां जो mechanism suggested है, दो mechanism होते हैं लेकिन जो हम ज्यादा follow करते हैं वो है cyclic हेलोनियम आयन मैकेनिज्म. साइक्लिक हेलोनियम, हेलोनियम आयन मैकेनिज्म, साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म. ठीक, साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म. नाउ कैसा होता है साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म? देखो बेटे ये मेरे पास था CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मान लो मैं क्लोरीन की यहां पे एडिशन कर रहा हूं. सो ये जो लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, दे विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन. तो ये जो क्लोरीन जो कि पहले नॉन पोलर था, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इस साइड को थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे और इस वाले क्लोरीन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले क्लोरीन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी देयर विल बी पोलराइजेशन. क्या हो जाएगी? पोलराइजेशन. क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि लूजली हेल्ड है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, तो रिपेल करने से इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे चला जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव. अब ऑब्वियसली ये पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, ये पॉजिटिव जो होगा दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पाई
electrons, and thus we will be having over here CH2, single bond CH2, और यहां पे Cl, Cl, और इसका बनेगा बेटा पाई कॉम्प्लेक्स। ये इस कार्बन से भी ले सकता है, ये इस कार्बन से भी ले सकता है, कौन से इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज कॉल्ड एज पाई कॉम्प्लेक्स और साइक्लिक कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स। मैंने पिछली क्लास में भी तुम्हें समझाया था कि पाई कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ बॉन्डेड स्टेट, ये कोई बॉन्डेड स्टेट नहीं होती। It is mere force of attraction of positively charged particle with that of pi electrons. अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए बेटा, यानी इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे खींचने की कोशिश करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। इसको हम क्या बोले थे पिछली बार, इसको बोले थे इंसिपिएंट कार्बोकैटायन। क्या कहे थे? इंसिपिएंट कार्बोकैटायन। सो यहां पे हमारा इंसिपिएंट कार्बोकैटायन जो है वो बन गया है, ठीक है। सो वी विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ इंसिपिएंट कार्बोकैटायन ओवर हियर। क्योंकि बेटा यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमें ये भी पता था कि इस क्लोरीन पे पार्शियली पॉजिटिव था, तभी तो उसने इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे, और ये पार्शियली नेगेटिव था। तो ऐसे कोई और मॉलिक्यूल भी होता होगा, उसका Cl नेगेटिव इस पे अटैक कर सकता है, उसका Cl नेगेटिव इस पे अटैक कर सकता है। हम रिएक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए इसी का अटैक शो कर देते हैं, ठीक। बेसिकली किसी और मॉलिक्यूल का क्लोरीन जो होगा वो अटैक करेगा, उससे बेटा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, गॉट इट। और ये क्लोरीन बैक साइड पे अटैच हो जाएगा, और ये वाला क्लोरीन फ्रंट पे अटैच हो जाएगा, और इस वजह से प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH2Cl एंड हियर CH2Cl। सो इट इज एक्चुअली अ ट्रांस एडिशन, साइक्लिक एडिशन इज ऑलवेज अ ट्रांस एडिशन, एक साइक्लिक एडिशन इज ऑलवेज अ ट्रांस एडिशन। बोलो बेटे मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बोलो मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया, क्विकली। तो ऐसे करके साइक्लिक कंपाउंड बना है और साइक्लिक मैकेनिज्म इसमें शुरू हुआ है। क्योंकि यहां साइक्लिक मैकेनिज्म है तो रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है, देयर इज नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहां कार्बोकैटायन नहीं बनता, यहां इंसिपिएंट कार्बोकैटायन बनता है। कौन सा? इंसिपिएंट कार्बोकैटायन। मतलब कहने का यह है, अगर मान लो मेरे पास इस तरह का एल्कीन भी होता, तो यहां पे मान लो मैं ब्रोमीन की एडिशन कर रहा होता तो मैं प्रोडक्ट क्या बनाता? बेटे कोई रीअरेंजमेंट नहीं करते, जहां डबल बॉन्ड है वहीं पे बीआर की क्या हो जाती? एडिशन हो जाती, ठीक। जैसे CH3C CH3H, और यहां पर CH और यहां बी आर, यहां सी एच टू बी आर। सो देर इज नो रीअरेंजमेंट बट सो एवर इज पॉसिबल, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। तो अगर तुमसे कोई बोले कि इसमें रीअरेंजमेंट क्यों नहीं है, तो कहना इसमें कभी भी फ्री कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, तो रीअरेंजमेंट कैसे होगी? रीअरेंजमेंट तो सिर्फ जब ही हो सकती है व्हेन देर इज अ फ्री कार्बोकैटायन फॉर्म, एंड इफ देर इज नो फ्री कार्बोकैटायन देर विल बी नो रीअरेंजमेंट विल अकर ओवर हियर। और इसी वजह से बेटे हमारे पास यहां पे ये प्रोडक्ट बना। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर बच्चों? बेटे सो बेटे इस तरह से हैलोजन की एडिशन हो सकती है, इसमें क्लोरीन की एडिशन हो सकती है, ब्रोमीन की एडिशन हो सकती है, ठीक। अब एक और खास बात जो मुझे बतानी है यहां पे, बेटा आयोडीन की एडिशन रिवर्सिबल होती है, यानी आयोडीन इसमें ऐड नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कि अगर मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में मैंने आयोडीन को ऐड किया,
तो बेटा आयोडीन यहां और यहां लगेगा, यहां CH2I और CH2I होगा। बेटे आपको मैंने ऑलरेडी बताया है विसिनल डायहलाइड्स क्या होते हैं। विसिनल डायहलाइड मैंने आपको समझाया था, विसिनल डायहलाइड मतलब वी, वी मतलब दो अलग अलग कार्बन, दो अलग अलग कार्बन का मतलब कि हेलोजन दो अलग अलग कार्बन पे लगे हैं जो एडजेसेंट वन है। बेटा ये बड़े बड़े होते हैं इसलिए स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये दोबारा से टूट जाते हैं और रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है। सो बेसिकली यहां पे आइडिनेशन नहीं हो पाती है बेटा, ठीक। बेसिकली यहां पे क्या होता है, हमारे पास आइडिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए आइडिनेशन ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसी के ऊपर बेस्ड एक बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें, इसी पर्टिकुलर के ऊपर बेस्ड, जो मैं पहले करवाना चाहता था एसिमेट्रिकल रिएक्शन में, मैंने रोक दिया था एक दिन। मान लो आपको अगर बोल दिया जाए कि मेरे पास सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और यहां पे सी एच टू आई है और मैं इसमें एच आई की एडिशन करता हूं और मुझे बोला है कि एच आई एक्सेस में है। बेटा ये क्वेश्चन ऑलरेडी आज गए बच्चे पेपर में, एच आई इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इजंट इट, तो इसकी एडिशन में कौन सा रूल लगेगा बच्चों, इसके एडिशन में कौन सा रूल लगेगा? बेटा इसके एडिशन में लगेगा मार्कोनिकोफ रूल, एनके रूल। और मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट शुड गो टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है? आयोडीन। और लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां है? यहां। तो ये आयोडीन यहां जुड़ेगा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनना चाहिए था सी एच थ्री एच यहां आई यहां सी एच आई और सी एच टू आई। जैसे कि बेटे मैंने ऊपर समझाया कि विसिनल डाई आयोडाइड जो है, विसिनल डाई आयोडाइड जो है वो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ऑब्वियसली ये आयोडीन बाहर निकल जाएगा और आयोडीन बाहर निकल के क्या बनेगा, आयोडीन इज गिवन ऑफ क्या बना CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बन गया। लेकिन बेटा एच आई कैसा रखा हुआ है? एक्सेस में। एक्सेस में होने की वजह से एच आई जब इसमें ऐड होगा तो कौन सा रूल लगाएंगे? ऑब्वियसली अगेन से मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल ऑटोमेटिकली, मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो एच आई का नेगेटिव पार्ट क्या है? आई। और लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां है? यहां। तो बेटे देखो आई यहां पे जुड़ जाएगा, एच यहां पर, प्रोडक्ट क्या बना सी एच थ्री सी एच आई और सी एच थ्री। देखो ये प्रोडक्ट बना। अब क्या होगा कि बच्चे जो है वो तो ये प्रोडक्ट बना देंगे, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो चलो आयोडीन निकाल देंगे ये बना देंगे, बट यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। ये सिर्फ आप लोग पहुंच सकते हैं, ठीक, क्योंकि आपको ये करवा दिया गया। तो समझ लेना विसिनल डायआयडाइड्स, विसिनल डायआयडाइड्स आर नॉट स्टेबल और इसीलिए ये रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा है, फॉरवर्ड नहीं आ रहा है, फॉरवर्ड कम है, फॉरवर्ड का एरो छोटा है, बैकवर्ड का एरो बड़ा है, तो आयोडीनेशन नहीं होती, डायरेक्ट क्लोरीनेशन या ब्रोमीनेशन होती है। बोलो प्यारे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है? ओके, अब अगली कहानी बोलते हैं इसमें, ठीक, अगली कहानी बोलते हैं। देखो बेटे अभी मैंने आपको बोला कि यहां पे सॉल्वेंट हम कौन सा लेंगे, सॉल्वेंट हम लेंगे कौन से वाला, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर हमने इसको पोलर सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा? जैसे ये मिटा दो बच्चे, ये लिख लिया होगा तुम लोगों ने, आप देखो बेटे मान लो रिएक्शन यही करना चाह रहे हो, है ना, आपने क्या किया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें आपने क्लोरीन को ऐड किया बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट इज वाटर ओवर हियर। तो
तो बेटा ये तो शोर है कि क्लोरीन यहां और यहां तो लगेगा ही लगेगा, ये तो शोर है कि क्लोरीन यहां और यहां तो लगेगा, यानी ये और ये तो लगना ही है क्योंकि तो ऐसा पाई कॉम्प्लेक्स बन। पर एक बात बताओ बेटा, अभी यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और वॉटर बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल, याद रखना वॉटर के ऊपर लोन पेयर होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इसलिए वॉटर न्यूक्लियोफाइल होता है तो पॉजिटिव पे ये भी तो अटैक कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? अगर इसने अटैक किया तो यहां पे क्या बनेगा, अगर इसने वॉटर ने अटैक किया तो यहां पे क्या बनेगा, ऐसा भी तो बन सकता है CH2, ये Cl, CH2 और पीछे OH, वॉटर ने अटैक किया था तो O के ऊपर पॉजिटिव, बोलो क्लियर और नॉट? और ऑब्वियसली यहां से ये टूटेगा, ठीक, H पॉजिटिव इज गिवन आउट एंड प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज, एक दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास ये भी बन जाएगा CH2Cl और यहां CH2OH, यानी इस रिएक्शन में अगर पोलर सॉल्वेंट डाला तो वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बेटा। और उससे भी ज्यादा मजे की बात ये है, उससे भी ज्यादा मजे की बात ये, मेजर हो जाएगा यार, दिस विल बिकम मेजर, क्यों? क्योंकि वॉटर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन हैलोजन, हैलोजन के मुकाबले वॉटर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर रह जाएगा। इसीलिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की मदद लेते हैं ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। बोलो बेटा क्लियर होगा कि नहीं? अब एक बड़ा मस्त क्वेश्चन यहां पे करवा रहा हूं और आपके दिमाग का थोड़ा सा इसमें जायजा लेंगे, ठीक, कि आपका दिमाग कैसा चलता है, ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आया, ध्यान दीजिएगा, मिटा दो इसको। देखो ये क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आया है इसको ध्यान देते हैं। बेटा ये क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरह से आया, कह दिया CH3 CH double bond CH2, इसमें मैंने क्लोरीन की एडिशन करी है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मिथोक्साइड, सोडियम मिथोक्साइड, ठीक। अब बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड, कौन सी चीज है जो नहीं बनेगी, ठीक। और यहां पे इसके चार ऑप्शन लिख रहा हूं, ए CH3 CHCl CH2Cl, ठीक है जी। बी ऑप्शन देखिएगा CH3 CHOCH3 CH2OCH3, ठीक। सी ऑप्शन देखिएगा CH3 CHCl CH2OCH3, ठीक। और डी ऑप्शन देखेगा CH3 CHOCH3 और CH2Cl। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा नहीं बनेगा, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो क्या? यस वेदांश यू आर वेरी राइट, अंगद यू आर ऑल्सो राइट, हर्षिता राइट, श्रुति गलत, नितिमा राइट, वंश गलत, ओजस राइट, पर मजे की बात है सभी आधे अधूरे करेक्ट हैं। देखो बेटा सबसे पहली बात, ये तो कभी नहीं बनेगा। देखो बेटे जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों अटैक नहीं कर सकते, पहला अटैक तो इसी का होगा, जो यहां से इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो तो जुड़ेगा ही,
अगर यहां पे सीएल टू दिया तो एक सीएल तो जरूरी है, दूसरा सीएल भी लग सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल ओसीएच थ्री भी लग सकता है, दोनों में से कोई लग सकता है, या तो सीएल नेगेटिव या ओसीएच थ्री, पर एक क्लोरीन तो लगेगा, यानी जो ऐड करते हो उसका एक पार्ट तो लगना जरूरी है, दोनों न्यूक्लियोफाइल नहीं लगेंगे, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। यानी ये दो सीएल लग सकते, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल नहीं लग सकते, ये तो हो ही गया। अब अगली बात, यह है कि जब इसका पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्लीज इधर ध्यान देना, CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे मैं CL का पाई कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, क्योंकि अटैक तो CL नहीं करना है, ठीक है, किसी ने अटैक करना है और पोलराइज होना है बाय दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड और यहां पे पाई कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये पाई कॉम्प्लेक्स बना क्लोरीन के साथ, इसलिए क्लोरीन तो एक लगना ही लगना है। अब मजे की बात यह थी कि यहां पॉजिटिव चार्ज था और यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है जी। अब यहां पे दो चीजें अटैक कर सकती थी, इधर ये सीएल अटैक कर सकता था, ठीक, अगर ये सीएल अटैक करता तो ए बन जाता, वो तो चलो समझ में आता ही था, पर अगर जो दूसरा हमारे पास है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है यहां पर, CH3O नेगेटिव है कि नहीं यहां पर, वो अटैक करता है तो वो कहां करता, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। देखो बेटा ये कार्बोकैटायन तो नहीं है, दिस इज नॉट अ कार्बोकैटायन, डेफिनेटली नॉट अ कार्बोकैटायन, बट दिस इज इंसिपिएंट कार्बोकैटायन, ठीक, दिस इज इंसिपिएंट, मैंने पिछली बार समझाया था तुम्हें इंसिपिएंट कार्बोकैटायन क्या होता है, इंसिपिएंट कार्बोकैटायन यानी जो बनने के साथ ही फटाफट रिएक्ट कर जाता है, यानी हम जिसको जज करते हैं बेसिकली, ऐसे बोलो जज टू वन। अब बेटे यहां देखें तो ये प्राइमरी इंसिपिएंट कार्बोकैटायन है, यहां देखें तो सेकेंडरी, बोलो स्टेबल कौन, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल ना, तो इसका अटैक, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक यही हो सकता है बेटे, यहां अटैक नहीं हो सकता है इसका, समझ में आई, सेकेंडरी पे अटैक होगा, इसलिए प्यारे बच्चों हमारे पास यहां CH3O और यहां पे आ जाएगा OCH3 और यहां पर H, यहां CH2Cl, यानी ये भी बन जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर अटैक हो जाए, यानी ये भी पॉसिबल नहीं था, नेगेटिव पार्ट मार्कोनी कॉफ्मन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए था, ठीक, माइंड इट, अगर ये सिंगल आंसर क्वेश्चन होता तब तो सिर्फ यही टिक करते, क्योंकि ये बनेगा माइनर बन जाए, थोड़ा बहुत बन भी सकता है, लेकिन अगर मल्टीपल आंसर होगा तो हम ये भी आंसर देंगे, ये भी नहीं बनेगा, मल्टीपल आंसर में हम ये भी आंसर नहीं देंगे, बोलेंगे ये भी नहीं बनेगा, क्यों, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल टेक प्लेस एट द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, तो हमारे पास या तो ए बनेगा और या तो डी बनेगा, ना बी बनेगा ना सी बनेगा, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे यह बताओ ए और डी में से अगर मैं तुमसे पूछूं मेजर कौन, ए और डी में से मेजर कौन, तो ऑब्वियसली ओ सी एच थ्री जो होगा वो एक बेटर नेगेटिव वाला ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, सो दिस इज मेजर एंड दिस वन इज माइनर। तो बेटे इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, पहली चीज ये कि एक तो जो यहां पे होगा वो जरूर रिएक्ट करेगा, एक तो जो यहां पे होगा वो जरूर रिएक्ट करेगा, एक पार्ट तो वो लगेगा, एक पार्ट यहां पोलर सॉल्वेंट से लग सकता है नेगेटिव वाला, जैसे वाटर हुआ तो OH लगेगा, यहां सोडियम मिथॉक्साइड लिखा था तो CH3O लगेगा, मिथाइल अल्कोहल लिखा होता CH3O तब भी ऐसे ही लगता, ठीक, तो कहने का मतलब एक पार्ट ये लग सकता है, यहां ये दोनों लग सकते हैं, ठीक, कभी भी न्यूक्लियोफाइल के दोनों पार्ट नहीं लगेंगे, इसलिए ये तो काट ही देना है, और अगर मल्टीपल चॉइस होगा तो इस न्यूक्लियोफाइल की एडिशन भी मार्कोनी कॉफ्मन करनी है, यानी नेगेटिव पार्ट वहां पे अटैक करवाना है जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने, इसलिए इसको भी काट देना है, और फिर अगर मेजर पूछे तो देखना इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है उसके हिसाब से हम बताएं।
इज इट क्लियर नाउ? ओके, वेरी वेल डन। तो ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन था, बहुत ही समझदारी भरा क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं सौम्या, क्या आपको समझ में आ गया बिटिया? सौम्या एंड तानिश, क्या इन दो बच्चों को समझ में आया? सौम्या का यस आ गया, तानिश आपको समझ में आया बेटे? क्योंकि यू पीपल आर न्यू वन टू मी ना, तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा वो बैरियर होता है तो वो तोड़ना चाहता हूं। तानिश इज इट क्लियर? तो मिटा देता हूं इसको। ओके, अब ये था एडिशन ऑफ हेलोजन इन एल्कीन्स। अभी हमने एल्कीन्स में किया, अभी हम किसमें बात करेंगे? अभी हम एल्काइन्स में बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट एल्काइन्स। ठीक, एल्काइन्स में ये एडिशन कैसे होगी? इट इज वेरी सिंपल यार, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं ना। मान लो एल्काइन है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पर मैंने क्लोरीन की एडिशन करी, नॉन पोलर सॉल्वेंट लगा दिया CH2। ठीक है जी, और ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास अब प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? हमारे पास देखो CHCl डबल बॉन्ड CHCl, पहले ऐसे, बट क्योंकि अभी भी डबल बॉन्ड है क्लोरीन फर्दर ऐड हो जाएगा, CHCl CHCl ऐसा बन जाएगा, दोनों जगह क्लोरीन ऐड हो जाएंगे। सो कोई दिक्कत है इस रिएक्शन में क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन इसी तरह से अगर इसमें भी हम ऐसे वाटर लगाते, ठीक, इसी में ऐसे वाटर लगा देते साथ में, तो हमारे पास यहां पे क्लोरीन लगाया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बेटे एक तो बन जाता CHCl डबल बॉन्ड CHCl, और फर्दर CHCl डबल बॉन्ड CHOH। रिएक्शन रुकता नहीं, फर्दर एडिशन हो सकती थी, यहां तो क्लोरीन ही ऐड हो CHCl Cl और सिंगल बॉन्ड CHCl Cl, और यहां पे अगेन Cl और OH अटैक करता, तो जैसे पिछली बार करवाया था, जहां पहला क्लोरीन वही दूसरा क्लोरीन, जहां पहला OH वही दूसरा OH। ठीक, तो यहां पे CHCl Cl सिंगल बॉन्ड CHOH और OH, आपको याद होगा कहा गया था एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते। तो बेटा यहां से हम निकाला वाटर, ठीक, वाटर निकाल दिया तो बना क्या? CHCl2 आगे आया CHO, इसको एक नाम बताया था मैंने पिछली बार, डाई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। CH3CHO क्या होता है? एसिड एल्डिहाइड, उसमें दो क्लोरीन लगे हैं, तो ये बना डाई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड, डाई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड, डाई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? क्विकली बताना यस और नो। ठीक, नाउ अब बेटे देखो एक क्वेश्चन और आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, पिछली बार भी हमने पढ़ा। सो बेटा इसमें हमें दो चीजें दी, यहां हमें बोला है HOCl जो पिछली बार करवाया था मैंने, ठीक, और यहां मैंने बोला कि क्लोरीन एंड वाटर, और मैंने ये भी समझाया था कि इसको भी ऐसे दिखाया जाता है कई बार, पर बेटा इन दोनों में फर्क देखेगा, ठीक, इन दोनों में फर्क देखेगा। अगर ये लिखा है तो इसमें दो क्लोरीन तो हो ही नहीं सकते, तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl CH2OH, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहां क्लोरीन पहले अटैक करेगा, पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर वाटर भी, तो यहां
दो प्रोडक्ट बनेंगे CH CH2 Cl, यहां पे भी Cl और यहां पे CH2 Cl CH2 OH। बोलो प्यारे बच्चों, दोनों में फर्क समझ में आया? क्योंकि यहां पे ये वाला प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता ना यहां पर, क्योंकि यहां दो क्लोरीन तो है ही नहीं, दोनों Cl1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, OH नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो एक ही क्लोरीन पॉजिटिव लगेगा, न्यूक्लियोफाइल दूसरा लगेगा, तो यहां एक प्रोडक्ट बनेगा जबकि यहां पे दो प्रोडक्ट बनेंगे अगर क्लोरीन एट बॉटम लिखा होगा। बोलो बेटे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं? अब ये एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन हमने किया, लेकिन एक बहुत खास बात बता रहा हूं, यहां जब हम ब्रोमीन ऐड करते हैं, ब्रोमीन का अपना कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है। मान लो अगर हम ऐसे कर देते हैं कि यहां पे चाहे एल्कीन ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें ब्रोमीन की एडिशन कर दो तो बनेगा क्या? CH2Br और यहां पे भी CH2Br, ठीक। या फिर एल्काइन ले लो तो एल्काइन में ब्रोमीन का एडिशन कर दो, ठीक, तो हमारे पास क्या बनेगा? CH यहां पे भी Br, यहां पे भी Br, CH यहां पे भी Br, यहां पे भी Br। पर क्या होगा क्या कि इस ब्रोमीन का कलर रेड होता है, रेडिश ऑरेंज, और ये कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, यहां पे कलर खत्म हो जाएगा। So color is discharged. Therefore, addition of water, addition of bromine is test of unsaturation. Therefore, addition of bromine is test for unsaturation. Unsaturation मतलब double or triple bond का test होता है। ठीक, सो दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। प्यारे बच्चों बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो जब कभी आपको तीन टेस्ट ट्यूब दे दिए, बोला एक में एल्कीन है, एक में एल्काइन है, एक में हमारे पास एल्केन है, और ये बताओ कि किसमें एल्कीन है, ठीक, या किसमें एल्काइन है, ब्रोमीन डाल दो। अगर ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा तो समझ लेंगे या एल्कीन है या एल्काइन है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन रहता है, दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक। पर इससे हम एल्कीन एल्काइन में फर्क नहीं कर सकते। हाँ, एल्केन और अनसैचुरेशन में, सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में, इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोल देते हैं। अब ब्रोमीन वाटर का मतलब ये मत समझ लेना कि ब्रोमीन एंड वाटर, नहीं, ब्रोमीन वाटर मतलब ब्रोमीन लिक्विड होती है ना बेटा, तो हम इसको ब्रोमीन वाटर बोल के बोल देते हैं, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोला जाता है इसको। उम्मीद करता हूं आपको एडिशन ऑफ सिमेट्रिकल रिएजेंट अच्छे से समझ में आई होगी, जैसे कि आपको अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन समझ में आई थी। अगर आ गई है तो जल्दी से यस लिखो ताकि आगे चलो जल्दी क्विकली, टाइम बहुत कम। यस यस यस, शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश। नाउ मूविंग फर्दर, अब एक और, ये हो गया एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक। जहां तक रही बात एल्कीन एल्काइन के टेस्ट की, वो फ्यूचर में पढ़ेंगे अपन, और एल्काइन के कुछ स्पेशल रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर पहले हम वो रिएक्शन सारे कर रहे हैं जो एल्कीन और एल्काइन दोनों देते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट पार्ट जो हम करने जा रहे हैं बेटा,